हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी कार्यकुशलता और कूटनीति से पूरे विश्व में भारत देश को नई पहचान दिलाई, वो पहचान जिसे पूरा विश्व न्यू इंडिया के नाम से जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 वर्ष के हो गए। 17 सितंबर 1950 को दामोदर दास मोदी और हीराबेन के घर जन्मे नरेंद्र मोदी का बचपन राष्ट्र सेवा की एक ऐसी विनम्र शुरुआत है जो यात्रा, अध्ययन और आध्यात्मिकता के जीवंत केंद्र गुजरात के मेहसाणा जिले से वडनगर की गलियों से शुरू होती है। इस दौरान पीएम ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। रिपोर्ट देखिए। घबराइए मत दोस्तों, आप किस परिवार का पैदा हुए हो, किस अवस्था में पैदा हो, चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। साल 1950 में गुजरात के वडनगर में बेहद साधारण परिवार में जन्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। इसके साथ ही पीएम मोदी 70 साल के हो गए हैं। नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे, काम भी अलग तरह का कर जाते थे। एक बार वो अपने घर के पास के शर्मिष्ठा तालाब से घड़ियाल का बच्चा पकड़कर घर ले आए। उनकी माँ ने कहा, बेटा इसे वापस छोड़ आओ। नरेंद्र इस पर राजी नहीं हुए। फिर माँ ने समझाया कि अगर कोई तुम्हें मुझसे चुरा ले तो तुम पर और मेरे पर क्या बीतेगी, जरा सोचो। बात नरेंद्र को समझ में आ गई और वो उस घड़ियाल के बच्चे को तालाब में छोड़ आए। स्टाइल के मामले में भी मोदी बचपन से ही थोड़े अलग थे, कभी बाल बढ़ा लेते थे तो कभी सरदार के गेटअप में नजर आते थे। रंगमंच उन्हें खूब लुभाता था। नरेंद्र मोदी स्कूल के दिनों में नाटकों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और अपने रोल पर काफी मेहनत भी करते थे। बचपन में नरेंद्र मोदी को साधु संतों को देखना बहुत अच्छा लगता था। मोदी खुद सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए नरेंद्र मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए थे और इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे और आखिर में हिमालय पहुंच गए और कई महीनों तक साधुओं के साथ भ्रमण किया। नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलाई थी। मोदी आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे। एक चाय बेचने वाला कभी देश का पीएम भी बनेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। मैं चाय बेचते बेचते आया, मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ। मोदी ने राजनीति शास्त्र में एमए किया। बचपन से ही उनका संघ की ओर खासा झुकाव था और गुजरात में आरएसएस का मजबूत आधार भी था। वे 1967 में 17 साल की उम्र में अहमदाबाद पहुंचे और उसी साल उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ली। इसके बाद 1974 में वो नव निर्माण आंदोलन में शामिल हुए। इस तरह सक्रिय राजनीति में आने से पहले मोदी कई वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। 1980 के दशक में जब मोदी गुजरात की बीजेपी इकाई में शामिल हुए तो ये माना गया कि पार्टी को संघ के प्रभाव का सीधा फायदा होगा। 1988-89 में भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए। नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की 1990 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में अहम भूमिका अदा की। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई राज्यों के प्रभारी बनाए गए। नरेंद्र मोदी को 1995 में बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। इसके बाद 1998 में उन्हें महासचिव बनाया गया। इस पद पर वो अक्टूबर 2001 तक रहे, लेकिन 2001 में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद मोदी को गुजरात की कमान सौंपी गई। इसके बाद 2007 गुजरात में विधानसभा चुनाव हुआ। विधानसभा चुनावों में उन्होंने गुजरात के विकास को मुद्दा बनाया और फिर जीत कर लौटे। फिर 2012 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव में विजयी रही। चलिए, दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को
आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ही नरेंद्र मोदी का केंद्र की राजनीति में आने का रास्ता साफ हो गया। यूपीए के कुशासन से परेशान लोगों ने पीएम मोदी को केंद्र में लाने की वकालत शुरू कर दी। पीएम उम्मीदवार के तौर पर मोदी की स्वीकार्यता बढ़ने लगी। पार्टी में भी 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी को पीएम प्रोजेक्ट करने की मांग तेज हो गई। जिन भावनाओं को भांपकर बीजेपी संसदीय बोर्ड ने 13 सितंबर 2013 को मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। गुजरात के तत्कालीन सीएम ने पीएम बनने के लिए हरियाणा की पावन धरती रेवाड़ी की वीर भूमि से रैलियों का सफर शुरू किया और इसके बाद दनादन देश में रैली कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। इसके बाद मई 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ। बीजेपी ने 282 सीटों पर धमाकेदार जीत दर्ज की। जीत के साथ ही पीएम मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया। मोदी ने इतिहास रच दिया और अब बारी थी ताजपोशी की। अडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं अडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम पद से इस्तीफा देकर दिल्ली का रुख किया। संसद में कदम रखते ही पीएम ने संसद की सीढ़ियों को चूम लिया। इसके बाद संसद के सेंट्रल हॉल में भाषण देते हुए उन्होंने देश के विकास का खाका खींच दिया। कार्यकर्ता की भूमिका उसे ही मैंने जीने का प्रयास किया। जैसे यहां बताया गया कि मैं पहली बार यहां आया हूं, शायद मेरे जीवन में हर बार ऐसा ही हुआ है। मुख्यमंत्री बना उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री की चैंबर देखी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने विधानसभा गृह देखा था। आज भी ऐसा ही एक अवसर आया है। लेकिन हम इस ऐतिहासिक स्थान पर बैठे हैं, तब मैंने प्रारंभ में कहा यह लोकतंत्र का मंदिर है। 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं इस पवित्र मंदिर पर टिकी हुई है। 5 सालों तक नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में चली। इस दौरान उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक कर देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। तब तक 2019 आ चुका था। एक बार फिर मोदी को चुनाव में जाना था और पीएम मोदी ने अपने विकास कार्यों को आधार बनाया। इस बार 2014 से ज्यादा धमाकेदार जीत दर्ज की और पार्टी को 282 से 303 के आंकड़े पर पहुंचा दिया। पीएम मोदी ने साबित कर दिया कि चुनावी रणनीति से विरोधियों को पस्त करने में उनकी काबिलियत की कोई काट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पीएम मोदी ने पूरे देश में विकास की एक नई तस्वीर खींची। न सिर्फ विकास की नई तस्वीर खींची बल्कि देश के दुश्मनों को भी करारा जवाब दिया। पाकिस्तान को जहां उसकी औकात दिखाई, वहीं चीन को घुटने पर ले आए। यही वजह है कि देश ही नहीं दुनिया भी मोदी की मुरीद हो गई।
मुमकिन है। देश में 2014 के बाद बदलाव की उम्मीद के साथ लोगों ने मोदी चेहरे को स्वीकार किया और मोहर लगाई भारत के विकास की नई तस्वीर पर। उस वक्त एक नारा जो बेहद ज्यादा लोगों की जुबां पर था और वो था, मोदी है तो मुमकिन है। नारों की गूंज यूं तो हर दल और उसके नेता की रैली और भाषणों में होती है, लेकिन मोदी के नारों ने तो लोगों के दिलों में जगह बना ली। प्रधानमंत्री के रूप में गद्दी पर बैठे नरेंद्र मोदी अपने को प्रधान सेवक के रूप में बताते हैं। देश के विकास की बात हो या फिर देश के दुश्मनों से लोहा लेने की, हर मोर्चे पर मोदी का जलवा कायम रहा। जब चीन के साथ भारत की तनातनी आज भी चल रही है, तब मोदी मैजिक ही है जो चीन को घुटनों पर ला चुका है। यानी कल तक तो जो चीन किसी भी देश की जमीन हड़प लेता था, उसके बाद उस देश को हेकड़ी दिखाता, लेकिन उसी चीन को अब ये कहना पड़ रहा है कि भारत ने चीन की जमीन पर कब्जा कर लिया। वही इस दौरान जब बॉर्डर पर हालात ज्यादा खराब हुए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए लेह का दौरा किया। दरअसल चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये दौरा सरप्राइज रहा। सरहद पर तैनात जवानों के लिए तो जोश भरने वाला रहा। देश के बहुमत के लोगों के मैंडेट के साथ जवानों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री को पाकर तो जवानों का जोश ऐसे कुलाचे मार रहा था कि एक इशारा हो तो बीजिंग तक पहुंचकर एलएसी खिंच जाए। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। आज हर भारतीय की छाती आपकी वीरता और पराक्रम से फूली हुई है। साथियों, सिंधु के आशीर्वाद से ये धरती पुण्य हुई है। वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को ये धरती अपने आप में समेटे हुए है। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। 14 कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है। वहीं मोदी की ताकत न सिर्फ भारत के लोगों ने समझी, बल्कि दुनिया के कई देश मोदी नाम के मुरीद हो गए।
वहीं संसद के भीतर गर्म मुद्दों पर जवाब देते और हर मुश्किल बात को भी बड़े ही आराम से बयां कर देने की हिम्मत ही मोदी को दूसरों से अलग बनाती है। यूं तो देश में कई बार माहौल बना जब विपक्ष सरकार को घेरता रहा, लेकिन मोदी बाण में पूरा विपक्ष एक बार में ही चित्त हो गया। महामिलावट, महामिलावट यहाँ पहुँचने वाले नहीं है। सत्ता भोग के 55 साल, हमारे 55 महीने सेवा भाव के 55 महीने, और बेनामी संपत्ति आज जब्त हो रही है, उसी के कारण लोग परेशान हैं। इतिहास गवाह है, कांग्रेस पार्टी रक्षा सौदों में दलाली के बिना काम कभी नहीं। स्वच्छता का दायरा 55 साल में 2014 तक 40% था, आज 4.5 साल के 55 साल के महीने के अंदर 98% कॉस्ट कर रहा। अगर उस समय आप चाहते काम करना तो पहले 2 दशक में हिंदुस्तान के हर गांव में बिजली पहुंच जाती। ये काम जो 20 साल में होना चाहिए था वो मुझे आकर के पूरा करना पड़ा है। कई ऐसे मौके आए जब देश में कड़े कानून लाकर नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ विपक्ष को चौंकाया, बल्कि कोई भी उस फैसले के आने तक ये जान नहीं पाया कि आखिर वो क्या फैसला लेने जा रहे हैं। उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंक के आकाओं को पहली बार उस भाषा में समझाया जो भाषा वो समझते हैं। आप मुझे बताइए, मैंने सही किया कि नहीं किया? ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या सरकारें सोती रहे वो आपको मंजूर है? चौकीदार सो जाए आपको मंजूर होगा? आपको जागने वाला चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? देश को जिताने वाला चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, उरी के बाद सबूत मांग रहे थे, सबूत। अभी पुलवामा हमला हुआ तो भारत के वीरों ने जो काम किया, ऐसा काम दशकों तक कभी नहीं हुआ है। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। आतंकियों को, उनके सरपरस्तों को भारत से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। वे सोच रहे थे कि मोदी ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की तो दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ करेंगे, और इसलिए उन्होंने क्या किया, सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी, टैंक ला करके रख, पता नहीं क्या क्या रख दिया उन्होंने, यहां सारी सजावट कर दी, हम ऊपर से चले गए। और मजा देखिए, हम तो ये साहब कर करके चुप थे, रात के 3:30 बज गए थे, देश को क्यों जगाना भाई। लेकिन ये ऐसी ये घटना इतनी बड़ी थी, घटना इतनी बड़ी थी कि रात को 3:30 बजे पाकिस्तान की नींद खत्म हो गई, पाकिस्तान की नींद खत्म हो गई। हम तो चुप थे, हम सोच रहे थे क्या होता है देखते हैं। पाकिस्तान ऐसा घबरा गया था कि 5 बजे उसने ट्वीट कर करके रोना शुरू कर दिया, मोदी ने मारा, मोदी ने मारा, मोदी ने मारा। दुनिया को उनकी हालत बिगड़ी है के समाचार हमने नहीं दिए, पाकिस्तान ने दिए थे।
जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था देश को खबर पहले हमने की थी, इस बार हम देखते हैं नए तरीके से आगे बढ़ेंगे, और वही रोने लगे। सरहद से लेकर संसद तक मोदी के भाषणों का ना तो विपक्ष कोई तोड़ निकाल पाया और ना ही कोई ऐसा नेता खड़ा कर पाया जो मोदी के जलवे को फीका कर सके, और यही तो खूबियां मोदी को बाकी नेताओं से अलग बनाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। 2014 में प्रधानमंत्री की कमान संभालने के बाद पीएम मोदी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसमें कश्मीर से धारा 370 हटाने, तीन तलाक पर कानून बनाने और नागरिकता कानून में संशोधन करने जैसे कई साहसिक फैसले लिए गए। पेश रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच केंद्र की सत्ता पर आसीन नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 का एक साल 30 मई को पूरा हुआ। पहले कार्यकाल में सड़क सुरक्षा, आतंकवाद पर लगाम और बैंकों के विलय जैसे कई ऐतिहासिक और साहसिक फैसले भी मोदी सरकार द्वारा लिए गए। इसके अलावा किसानों की दशा और दिशा को बेहतर बनाने के लिए कृषि सेक्टर में कई अहम बदलाव के निर्णय भी लिए गए हैं। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 12 महीने में 12 महत्वपूर्ण कदम उठाए। इन उपलब्धियों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की योजना से लेकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और तीन तलाक को खत्म करने जैसे कदम उठाए गए हैं। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर किया, जो जनसंघ के जमाने से उसकी प्राथमिकता रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ साथ राज्य को दो हिस्सों में बांटने का काम भी इसी कार्यकाल में हुआ और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश एक विधान और एक निशान लागू हो गया है। तीन तलाक से निजात। नरेंद्र मोदी सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। मोदी सरकार ने तीन तलाक पर पाबंदी के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। 1 अगस्त 2019 से तीन तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बन गया। नागरिकता संशोधन कानून। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन कानून बड़े फैसले के तौर पर देखा जा सकता है। 10 जनवरी 2020 को इसे पूरे देश में लागू किया गया। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दूसरे देशों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। आत्मनिर्भर भारत अभियान। देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। मोटर व्हीकल कानून। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रैफिक नियमों को कड़ा बनाने और सड़क हादसों को रोकने के लिए देश में मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू किया। इस सख्त कानून के तहत अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं। UAPA एक्ट में संशोधन। नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन विधेयक 2019 को संसद से अमलीजामा पहनाया। नया UAPA कानून आतंकी गतिविधियों में लिप्त या फिर उसे प्रोत्साहित करते मिले किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का है। बैंकों के विलय का फैसला। मोदी सरकार ने देश में आर्थिक सुधार की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। सरकार ने 10 सरकारी बैंकों की विलय करके चार बड़े बैंक बनाने का ऐलान किया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया। सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिलाया। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जोड़ने का ऐलान किया। इस विलय से बैंकों के बढ़ते एनपीए से राहत मिलेगी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराई जाए। जल शक्ति मंत्रालय का गठन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में वादा किया था कि जल संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए एकीकृत मंत्रालय का गठन किया जाएगा। यही वजह रही कि सत्ता में आते ही नरेंद्र मोदी सरकार ने जल संसाधनों एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया। किसानों को मोदी की सौगात। मोदी सरकार ने किसानों को पेंशन आय दोगुनी, उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने का जो वायदा चुनाव के दौरान किया था, उसे सरकार बनने के बाद अमली जामा पहनाने का काम किया गया। मोदी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में देश के सभी किसानों को पेंशन देने के लिए किसान सम्मान योजना को मंजूरी दी गई। इसके अलावा किसान सम्मान निधि के दायरे में सभी किसानों को शामिल किया गया था। अब किसानों की दशा और दिशा को सुधारने के लिए कृषि सेक्टर में सुधार के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट में बदलाव करेगी। इसके तहत किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा और इसके लिए उन्हें अपनी उपज को अपनी इच्छा से किसी को भी कहीं भी बेचने की छूट मिलेगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन कर उपज अनाज से लेकर तिलहन की अधिकतम मात्रा रखने के संबंध में जारी प्रतिबंध को खत्म कर दिया जाएगा। मोदी का मिशन फिट इंडिया। नरेंद्र मोदी सरकार देश की जनता को फिट रखने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री ने खेल दिवस के मौके पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, जिला, ब्लॉक स्तर पर इस मूवमेंट को मिशन की तरह चलाया जाएगा। छोटे व्यापारियों को पेंशन। नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार ने किसानों की तरह छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की। इस योजना के जरिए देश के करीब 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये हर महीने पेंशन दी जा रही है। इस योजना के तहत 18 से 40 साल उम्र के 1.5 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले व्यापारी पेंशन के लाभार्थी हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड। मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता में आने के बाद वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को भी अमलीजामा पहनाने का काम किया। इस योजना के जरिए एक ही राशन कार्ड पर कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में उचित मूल्य यानी जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन ले सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।